डियर स्टूडेंट्स आदाब, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपकी निसाब की किताब जान पहचान का अगला सबक, जो कि एक नज़्म है जिसका उन्वान है छुट्टी का दिन, और आपकी किताब की फहरिस्त में ये सबक नंबर 15 है, तो इसका हम मुताला करेंगे, नज़्म छुट्टी का दिन का। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम तमाम असबाक में करते आए हैं, कि उस सबक के राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में, उसकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे इस सबक में। तो ये जो नज़्म छुट्टी का दिन है, इसके मुसन्निफ़ हैं हामिद हसन क़ादरी साहब। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हामिद हसन क़ादरी साहब का जो तआरुफ़ है और उनके जो मुख्तसर हालात ज़िंदगी और कारनामे हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी नज़्म की जानिब। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब हामिद हसन क़ादरी साहब। ये आपके किताब की सफ़ा नंबर 78 पर दर्ज है। तो हामिद हसन क़ादरी, आपकी जो विलादत की यानी पैदाइश की तारीख है वो है 1887, और आपके जो इंतकाल की तारीख़ है वो है 1964, यानी 1964 में आप इस दुनिया से दार-ए-फ़ानी से रुख़सत हो गए। मौलवी हामिद हसन क़ादरी, कस्बा बछराऊँ, ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए। ज़मींदार आप जानते ही हैं, तो ज़मींदार पुराने ज़माने में हुआ करते थे, तो ज़मींदार ख़ानदान में मुरादाबाद ज़िले के गांव में आपकी पैदाइश हुई। बछराऊँ में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए। रामपुर भी एक शहर का नाम है यूपी का। रामपुर में एक बड़ा मदरसा है जिसका नाम है मदरसा आलिया। तो जब प्राइमरी एजुकेशन आपकी शुरुआती तालीम हो गई गांव में, तो फिर आपको रामपुर में एडमिशन दिला दिया गया। 1909 में 10वीं दर्जे का इम्तिहान पास किया। मुंशी के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाबी हासिल की। मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तहानात 1911 में लाहौर से पास किए। ये उस ज़माने के इम्तहानात के नाम हैं जो हुआ करते थे, जैसे आजकल हम बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं अब तो जिसके बहुत सारे नाम हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी वगैरह अलग अलग तरह के। तो उस ज़माने में मुंशी और फाजिल और आलिम और इस तरह के कोर्सेज हुआ करते थे, तो वो उन्होंने कोर्सेज पास किए। महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद मुकर्रर का मतलब होता है, तकर्रुर का मतलब होता है पोस्टिंग देना, पद स्थापित करना, या वहाँ पर काम अपना, उनका अपॉइंटमेंट होना। इंग्लिश में अगर हम कहें तो सही लफ्ज़ होता है अपॉइंटमेंट, तकर्रुर का मतलब अपॉइंटमेंट। तकर्रुर हुआ यानी अपॉइंटेड एज ए टीचर, उस्ताद की हैसियत से आपको आपका तकर्रुर किया गया। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है मुकर्रर, जो मेरी ज़बान पर आ रहा था इससे पहले। मुकर्रर का मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना। तो मुकर्रर और तकर्रुर में ये फ़र्क है।
अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दरस व तदरीस के फ़राइज अंजाम देते रहे। अगले साल क्या हुआ कि दरस व तदरीस यानी टीचिंग, दरस व तदरीस इसको कहते हैं, टीचिंग को कहते हैं, उसके बाद जो इस्लामिया हाई स्कूल में जो है वह आप एज ए टीचर अपॉइंट हो गए। 1913 से 1927 के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। जैसे हेड मास्टर होता है तो वहाँ कोई पद होता है हेड मौलवी का, मौलवियों के हेड, तो उसके पोस्ट पर, उस पद पर आपने काम किया। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए और 1945 में इसी कॉलेज में सदर शोबाए फारसी और उर्दू मुकर्रर हुए। सदर कहते हैं हेड को, तो शोबा कहते हैं डिपार्टमेंट को। सदर शोबाए फारसी और उर्दू, उर्दू और फारसी का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड बने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड फारसी लैंग्वेजेस। 1954 में इसी ओहदे से सुबुकदोश हुए, सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हो गए। इसी पोस्ट पर रहते हुए आप जो है सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब, मौसूफ यानी जिनके बारे में बात की जा रही है यानी हामिद हसन साहब, वो क्या क्या थे? वो उर्दू ज़बान के अदीब थे, अदीब यानी साहित्यकार, नाकिब, नाकिब यानी समीक्षा करने वाले, समालोचक, समीक्षक ये हम कह सकते हैं उनको, मुबस्सिर, शायर, मुतरजिम, मुअर्रिख और तारीख गो थे। शायर, मुतरजिम, मुतरजिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को, तो तर्जुमा भी किया करते थे, आपने किताबों के तर्जुमे भी किए। मौर्रिख, मौर्रिख यानी तारीख को लिखने वाला यानी इतिहासकार, और तारीख गो थे जो इतिहास है, इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी थी और इतिहास के बारे में बयान किया करते थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ की। जिस ज़माने में वो कानपुर में मुकीम थे, मुकीम थे यानी उनका क़याम था, रहते थे, उसी अरसे में उन्होंने बच्चों का उर्दू रिसाला सईद जारी किया जो कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज कहानियाँ तसनीफ की। सबक आमोज यानी ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें कोई सबक, कोई मैसेज हासिल होता हो। कई अहम फारसी की किताबों के तर्जुमे उर्दू में शाये किए। पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो मुतरजिम भी रहे, तो यहाँ हमें पता चला उन्होंने क्या तर्जुमा किया कि फ़ारसी की किताबों का उर्दू में उन्होंने तर्जुमा किया। मौसूफ की नहायत अहम तसनीफ दास्तान तारीख़ उर्दू है, उनकी एक बहुत अहम तसनीफ है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है, जिसका नाम है दास्तान तारीख़ उर्दू, जिसमें उर्दू नसर की तारीख इब्तदाई दौर से लेकर 1960 तक में नमूना नसर दस्तावेजी हैसियत रखती है। इस किताब की खासियत क्या है कि इसमें उन्होंने उर्दू ज़बान, ख़ास तौर से उर्दू नसर की तारीख को बयान किया है कि उर्दू की जो नसर है यानी जो उर्दू का गद्य पार्ट है, प्रोज का पार्ट है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और 1960 तक की नसर लिखाई जो है, उर्दू की जो लिखावट है, लिखने का जो तरीक़ा है, नमूने के साथ जो है वो इस किताब में उन्होंने पेश किया। इसलिए ये किताब दस्तावेज़ की, अहम दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। तो ये था हामिद हसन कादरी साहब का मुख्तसर सा तारुफ और उनकी हालात ज़िंदगी। अब हम पढ़ते हैं उनकी लिखी हुई नज़्म छुट्टी का दिन। नज़म के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये नज़म है, इसका हमें पता इस बात से भी चलता है कि इसका एक उन्वान है। दूसरी जो बात है कि इसका पूरा मौजू एक रहेगा नज़म का, और वो रहेगा छुट्टी के दिन के बारे में, इसमें बात की जाएगी। तीसरी अहम बात है जो मैं इस नज़म में देख रहा हूँ कि हर शेर का जो काफिया है वो अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं छुट्टी का दिन नज़म। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन,
प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। अब देखिए, ये पहला मिसरा तो आसान है कि छुट्टी का दिन है इसलिए तुम खूब खेलो। अब यहाँ एक इन्होंने मिसाल दी है। मिसाल क्या दी है कि बच्चे भी खेल खेलने से उसी तरह से तेज़ हो जाते हैं जिस तरह से किसी गाड़ी के पहिए जब सुस्त हो जाएं तो उसमें हम तेल डाल देते हैं, चिकनाई पहुंचने से वो गाड़ी के पहिए तेज़ चलने लगते हैं। मशीन का पहिया हो या किसी साइकिल का पहिया हो या और किसी गाड़ी का, तो जब वो सुस्त हो जाता है तो हम उसमें तेल डाल देते हैं तो उससे वो तेज़ हो जाते हैं। इसी तरह से तुम जो है खेलने कूदने से तुम भी, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा जो जहन है वो तेज़ हो जाएगा, इसलिए तुम खूब खेलो। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए। देखिए, अब नई बात की जा रही है, पढ़ने के लिए खेल ज़रूरी है। पुराने ज़माने में ये कहा जाता था खेलना नहीं, खेलने को बुरा समझा जाता था और कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बाद के दौर में जब साइंस ने तरक्की की और नफ्सियात के बारे में भी ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल हुई और ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात की जाने लगी बच्चों की, तब ये पता चला कि एक तंदुरुस्त जिस्म में ही एक तंदुरुस्त जहन होता है। तो जहन की तंदुरुस्ती के लिए जिस्म की तंदुरुस्ती और जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए जहन की तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ाई भी करें और खेल कूद भी उनका शामिल हो। इसलिए कह रहे हैं कि है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। फिर मिसाल दी है, जैसे पेड़ बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ की नशोनुमा नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी तरह से बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनकी नशोनुमा नहीं होगी, उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी होगी खेलने से और उनकी जहनी नशोनुमा भी होगी, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, खेल कूद में मशगूल होते हैं तो उनका जहन भी तेज़ होता है और उनके जिस्म की भी नशोनुमा होती है। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, रोशन यानी रोशनीदार, प्रकाशमय हो जाता है। जब इल्म आता है तो इंसान का जो जहन है, जो दिमाग है, वो खुल जाता है, तेज़ हो जाता है। तेल से जिस तरह जलता है चिराग, तो जैसे तेल डालने पर चिराग जल जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है, वैसे इल्म हासिल करने पर इंसान का दिमाग खुल जाता है और वो इल्म की रोशनी से, नूर से, इल्म के नूर से भर जाता है। खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह भाप की ताकत से इंजन चलता है, उसी तरह से खेल की ताकत से और खेलने से जो है इंसान की सेहत बनती है, इंसान का जिस्म मजबूत हो जाता है। इल्म से यूँ पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। फिर मिसाल दे गई है, इल्म से इंसान का जो मिजाज है वो इतना पुख्ता होता है, उसमें बुर्दबारी, समझदारी आती है, बुद्धिमता आती है, जिस तरह से सूरज की गर्मी पाकर अनाज पक जाता है, वैसे ही इल्म की गर्मी पाकर इंसान का जहन पक जाता है, उसके विचार, उसके ख्यालात, उसके सोचने समझने का तरीका अच्छा हो जाता है। खेल से होता है खुश दिल इस तरह, फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह। इस तरह से हवा चलने पर फूल खिलने लगते हैं, फूल मुस्कुराने लगते हैं जब हवा चलती है, तो उसी तरह से बच्चों का दिल भी जो है वो खेल से खिल जाता है, उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, जहन हो जाता है तेज़ और जिस्म चुस्त। तो खेल कूद से बच्चे जो है वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका जहन भी मज़बूत हो जाता है, दोनों काम है। है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी। अब इसको ख़त्म कर रहे हैं तो ये इसका जो है समरी समझ लीजिए, इसकी ये समरी है, इसकी जो है पूरी नज़म का खुलासा जो है वो आखिर के इन अशार में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है शायर, कि है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ही नहीं, खेल भी ज़रूरी है, इल्म भी। हो ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी, दोनों से तुम कभी गाफिल मत होना, इससे अनजान मत रहना, खेलना भी और पढ़ाई भी करना। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। ये बात है कि जब वक्त खेलने का हो तब खूब खेलो, लेकिन जब पढ़ाई का वक्त आ जाए तब खूब
पढ़ो, यानी पढ़ने के वक्त पढ़ाई करो और खेलने के वक्त खेल कूद, दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अफरात और तफरीत का शिकार ना हो जाओ, यानी किसी भी काम में बहुत ज़्यादती या किसी भी काम की बहुत कमी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए, कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करो खेलो बहुत कम, या खेलो बहुत ज़्यादा और पढ़ाई करो बहुत कम, तो ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीच का रास्ता होना चाहिए, जितना ज़रूरी हो पढ़ना उतना पढ़ाई और जितना ज़रूरी हो खेलना उतना खेल। तो ये नज़्म थी जिसमें बताया गया था कि छुट्टी के दिन का इस्तेमाल आप खेल कूद में कर सकते हैं, बाकी के 5-6 दिन तो आप पढ़ाई करते ही रहते हैं, और खेल की भी अपनी अहमियत है। इसके बाद इसमें 3-4 ही अल्फाज बाहर आपके सबक में दिए गए हैं मश्क में पीछे, उनको लिख लेना, और इसके अलावा जो मुश्किल अल्फाज आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताए हैं उनको भी अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, और सोचिए और बताइए कि ज़िम्न में जो सवाल दिए गए हैं 3-4, उनके जवाब आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे।